सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर 10 का स्पीकर के बारे में, जो कि 500 वाट का स्पीकर है। और यहाँ पर हम बात करेंगे इसके मॉडल नंबर के बारे में। तो इसका मॉडल नंबर है DX1500N, जो कि 500 वाट का स्पीकर है, 15 इंच में नियो मैग्नेट के साथ आता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे इस वीडियो में इस स्पीकर का फुल डिटेल्स। यहाँ पर हम इसको कितने वाट का एम्पलीफायर में रन कर पाएंगे, एक स्पीकर या फिर दो स्पीकर या फिर चार स्पीकर या फिर हम बात करेंगे 8 स्पीकर के बारे में। और बात करते हैं यहाँ पर इस स्पीकर के बारे में फुल डिटेल्स। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डीजे से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलते हैं हमारे चैनल में। सो गाइस, बात करेंगे यहाँ पर दासका के DX1500N स्पीकर का स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रांड के ऊपर। तो ब्रांड है दासका का, और मॉडल के बारे में बात करेंगे तो DX1500N, और पावर के बारे में बात करेंगे तो 500 वाट का RMS पावर का स्पीकर आपका बन जाता है। जो कि इसका वॉइस कॉइल के बारे में बात करेंगे तो 3 इंच का वॉइस कॉइल है, और इम्पीडेंस आपको 8 ओम्स के ऊपर मिलेगा। सेंसिविटी यहां पर 98 dB आपको मिल जाता है स्पीकर में। फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में बात करेंगे तो 40 हर्ट्ज से लेकर के 3500 हर्ट्ज तक यहाँ पर काम करेगा स्पीकर, जो कि आपको इसमें मिड रेंज काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और यहाँ पर हम बात करेंगे एक टॉप अगर आप चलाते हो या फिर दो टॉप चलाते हो या फिर चार टॉप चलाते हो, तो यहाँ पर कितने वाट का हम एम्पलीफायर यूज़ करेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे लोड कैलकुलेशन के ऊपर। तो बात करेंगे यहाँ पर एक टॉप के ऊपर। तो यहाँ पर आपका जो एक टॉप कंप्लीट बन जाता है, वो बन जाता है आपका 1100 वाट का एक कॉलम बन जाएगा, क्योंकि आपको 100 वाट का HF का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आपका 500 वाट का दो स्पीकर प्लस 100 वाट का HF, तो यहाँ पर एक टॉप 1100 वाट का बन जाता है। तो यहाँ पर एक टॉप को चलाने के लिए आप कम से कम 700 वाट या फिर 800 वाट का एम्पलीफायर, सिंगल चैनल एम्पलीफायर आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे दो टॉप के ऊपर। तो यहाँ पर दो टॉप अगर आप चलाते हो तो यहाँ पर 3000 वाट का एम्पलीफायर आप यूज़ करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रेशर से साउंड मिलने वाला है इस स्पीकर में। और यहाँ पर एक एक टॉप एक एक चैनल में हम चलाएंगे। 3000 वाट का कोई भी एम्पलीफायर आप ले सकते हैं, जिसका 4 ओम्स के ऊपर 1000 वाट का आउटपुट से ऊपर मिल जाए या फिर 1000 वाट भी आउटपुट मिले तो उस एम्पलीफायर में आप रन करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर नियो मैग्नेट में यह है कि अगर आप इसको कम पावर भी देते हैं तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाल के दे देगा। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर चार टॉप के ऊपर। तो यहाँ पर चार टॉप के बारे में बात करेंगे। तो अगर चार टॉप चलाते हैं तो कम से कम एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे हम। बात करेंगे यहाँ पर चार टॉप के बारे में। तो यहाँ पर चार टॉप आप यहाँ पर 4000 वाट के एम्पलीफायर में यूज़ कर सकते हैं, या फिर 5000 वाट का एम्पलीफायर यूज़ करेंगे तो और भी काफ़ी बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर 4000 वाट के एम्पलीफायर में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका 3 इंच वॉइस कॉइल है, मतलब 3 इंच वॉइस कॉइल है इस पर। तो यहाँ पर आप कम वोल्टेज के भी एम्पलीफायर में इसको चला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका RMS पावर 500 वाट बोला जाता है, लेकिन 3 इंच वॉइस कॉइल है, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर कम पावर वाले एम्पलीफायर में भी आप इसको चला पाएंगे। तो यहाँ पर चार टॉप के लिए आप कम से कम 4000 वाट का एम्पलीफायर लीजिए, या फिर 45 वाट का एम्पलीफायर ले लीजिए। अगर आप 5000 वाट के एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं तो क्लिपिंग तक बिल्कुल भी मत चलाइएगा, और यहाँ पर मीडियम साउंड में चलाइएगा अगर 5000 वाट के एम्पलीफायर में चलाते हैं तो। और 4000 वाट के एम्पलीफायर में आप दो टॉप एक चैनल में, दो टॉप दूसरे चैनल में, या फिर 5000 वाट के एम्पलीफायर भी यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एम्पलीफायर का वोल्टेज आप ले पाएंगे स्पीकर्स को लेकर के। और बात करेंगे स्पीकर के प्राइस के बारे में। तो प्राइस उतना कंफर्म नहीं हुई, इसलिए मैं वीडियो में शेयर नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे को पता चल जाएगा प्राइस इसका कंफर्म हो जाऊंगा तो नीचे कमेंट बता दूंगा। अगर आपके पास ये स्पीकर है DX1500N मॉडल वाला, जो कि 500 वाट का स्पीकर है दासका का, अगर आपके पास स्पीकर है तो आपको मार्केट में कितना इसका प्राइस पड़ा था नीचे कमेंट में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर और भी भाई लोगों को हेल्प हो सकती है इसके प्राइस से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।